नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए कमाल के वीडियो में। जैसा कि आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं अपने होम टाउन सुल्तानपुर शहर में आया हूं। सुल्तानपुर कहें कहा जाए तो सुल्तानों की नगरी नहीं है, हमारी कुश की नगरी है। राम भगवान के पुत्र, इनका नाम था कुश, तो उनके नगरी, उनके नाम पे हमारा है। तो कहेंगे आज मैं आपको सभी को दिखाने वाला हूँ कुश भवनपुर। तो कहेंगे ये एक लोगो डिज़ाइन करके यहाँ पर एक चौराहे पे लगाया गया है। तो हमारे सुल्तानपुर के बस अड्डे से जस्ट तिकोनिया पार्क बगल में पड़ता है, 100 मीटर दूरी पे, वहाँ पर लगाया गया। तो अभी जस्ट मैं वहीं खड़ा हूँ, उसकी जो भगवा कलर की लाइट है मेरे जस्ट चेहरे पे पड़ रही है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो जस्ट ये आपको दिख रहा होगा, ओह माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आप सभी लोग आएँ, होपफुली कोशिश करिएगा शाम के टाइम में आइएगा, वरना ये जलता नहीं है। तो वही कोशिश करिएगा 7:30 के बाद ही या 7 से पहले आप लोग आ जाइएगा, तो इस आपको जलता हुआ मिलेगा। चलते हैं, आपको दिखाते हैं भाई किस लोकेशन पे है, क्या कैसे इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। सुल्तानपुर के जितने वासी देख रहे हैं तो उनके लिए प्राउड की बात है कि ये जो लोगो लगा हुआ है बहुत ही अच्छा लोगो लगा हुआ है। मैं आज यहाँ पर अकेले नहीं आया हूँ, मेरे साथ कुछ दोस्त आए हैं मेरे। तो भैया जी से पहले, भाई से पहले मिलाता हूँ। कौन भाई हमारे साथ आ गए हैं और कौन आया है? भाई सचिन विश्वकर्मा चुके हो हमारे भाई हैं। तो यहाँ पर बताओ कैसा लग रहा है यहाँ पर आके अभी? भैया यहाँ बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे चहल पहल रहती है। हाँ। और ये हमारा कुश भवनपुर का भी नया नाम लिखा गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे कहा जाए हमारे सुल्तानपुर वासियों के लिए प्राउड की बात है कि ये कुश भवनपुर, कुश के नाम पे, कुश की नगरी है भाई हमारी। ये राम भगवान के बेटे के, राम भगवान के पुत्र, सही बात है, उनके 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 नाम पे रखा गया कुश भवनपुर। ये बताएं कभी भैया, हमारा काम इधर ही से रहता है, हम लोग इधर से ही, बस स्टॉप भी इधर पड़ता है, आना जाना इधर लगा रहता है। ये बताओ सचिन मुझे कि एक कितने दिन हो गए वैसे लगे हुए यहाँ पर भाई? लमसम में से 6 महीने तो हो गएंगे। 6 महीने हो गए? हाँ भाई, 6 महीने हो गए। आई थी, मुझे लगता है बहुत अभी सुल्तानपुर वासियों को नहीं पता ये जगह है, पता है सबको? सबको यार, ओ भाई सबको पता लग गया। और क्या भाई, तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, आपको सामने फ्रंट कैमरे से भी दिखाता हूँ ये जो कितना हम लोग जितनी बखान कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है जब आप लोग यहाँ पर आके देखेंगे। और यहाँ पर आए कुछ फोटो ना क्लिक कराएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी हम लोग फोटो क्लिक कराएंगे, आपको दिखाते हैं सामने से। गाइस कहेंगे ये रहा मेरे सामने कुश भवनपुर, उसके नीचे लिखा है हमारा स्वाभिमान। तो कहेंगे कितना ही खूबसूरत लग रहा है यार। अभी जस्ट मैं ऐसे आया, उसके ये आधे घंटे पहले लाइट जली है। अगर आप लोग कभी आएंगे तो दिन में आएंगे तो इसकी लाइट नहीं जली रहेगी। तो हो सके होपफुली आप लोग कोशिश करिएगा रात में आने की, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और यहाँ पर आकर फोटो वगैरह क्लिक कराएंगे। कुश भवनपुर का लोगो भगवे कलर से है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है यार, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सुल्तानपुर वासी जरूर कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है। और हमारा स्वाभिमान यार, देख रहे हैं कुश भवनपुर, हमारा स्वाभिमान का ये प्राउड वाली बात है कि हमारे कुश भवनपुर में ये वाला लोगो लगा है। मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ की सारी चीज़ें भी दिखाता हूँ। लखनऊ में भी ऐसा लोगो लगा हुआ है जो कि हमारे आई लव लखनऊ का लोगो है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा सुन के अच्छा लगा जब ये लोगो लगा यहाँ पर। तो आपको कैसा लगा ये बताइए कमेंट करके। और ये ऊपर देख रहे हैं तिरंगा, हमारे देश की शान आन बान सभी कुछ है हमारा तिरंगा। तो तिरंगा भी बगल में है, कभी आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको पता लग गया होगा आई हो। तो जस्ट कि आप लोग देख रहे हैं ना ये वाला परिसर, इसका नाम है तिकोनिया पार्क। और आपको रास्ता बता दूँ, कोई अगर अदर सिटी से आ रहा है हमारे सुल्तानपुर शहर में तो उस साइड पड़ता है बस अड्डा, है ना, मतलब बस स्टैंड, उसके जस्ट 100 मीटर के पास में विकास भवन पड़ता है। विकास भवन का जस्ट फ्रंट टाउन है ये वाली चीज़। और जस्ट इसके बगल में हमारा तिरंगा भी ऊपर लहरा रहा है। तो कहेंगे कोई भी आपको लोकेशन ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये सभी लोग यहीं पर हैं, देख रहे हैं सुल्तानपुर वासी हमें देख ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। क्या हुआ? अरे भाई लोग बोल रहे हैं आपको ब्लॉग ले लो यार। हाँ ले लेते हैं, पब्लिक रिव्यू लेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे, बहुत सारे चाय की दुकानें वगैरह हैं, तो आपको आने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना। तो और ये सभी लोग फोटो क्लिक कराने में लगे हुए हैं। और सचिन भाई क्या कर रहे हो? भाई ब्लॉगिंग के साथ हम फोटोग्राफी भी करते हैं। अरे नहीं पार्ट टाइम फोटोग्राफी जाना होगा तो बताइएगा भाई लोग बताना भाई बता देना। दीपक अभी चढ़ गया ऊपर, फोटो क्लिक करा रहा है यहाँ पर। आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ किस तरह दिखता है ना। तो चलते हैं अंदर हम लोग। ये रहा कुश भवनपुर, तिकोनिया पार्क के अंदर अभी जस्ट मैं इंटर कर रहा हूँ। तिरंगा भी आपको देखने को मिलेगा, जस्ट बगल में ही है ना। पीछे से कुछ इस तरह दिखता है कुश भवनपुर। आई थिंक अब आपको वैसे सीधा लग रहा है, मुझे लग रहा है, मुझे उल्टा दिख रहा है, आपको सीधा दिख रहा है क्योंकि बैक कैमरे से मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। तो ये रहा हमारा तिकोनिया पार्क, इतना बड़ा तिकोनिया पार्क है। और तिकोनिया पार्क का दूसरा नाम भी कुछ है। सो गाइज अभी जस्ट अगर आपको नहीं पता है कि सुल्तानपुर वासी, अधिकतर मुझे लगता अभी तक मुझे नहीं पता था कि इस तिकोनिया पार्क का नाम राजीव गांधी
पार्क है, तो अगर आप लोग नहीं जानते भाई आज से जान लें, तिकोनिया पार्क का नाम राजीव गांधी पार्क भी है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब कर देना है, सभी के मोबाइल में जा जा के आप कमेंट लाइक। अच्छा यहाँ यहाँ पर कोई बाजार भी लगी है, हमेशा लग रही थी क्या, ये जो लुधियाना वुलन बाजार लगी है, ठंड में सिर्फ लगती है भाई यहाँ, ठंड में वैसे कभी खरीदो, कभी खरीदो यहाँ पर, कहते हैं भाई बहुत सस्ता देंगे लेकिन अंदर जाने के बाद काफी महंगा देते हैं। चल झूठा, ये था मेरा यहाँ का वीडियो, तो कैसा लगा भाई वैसे आप? भाई नंबर एक लाजवाब, खतरनाक वाला, मेरा वीडियो नहीं, कुछ भवनपुर का लोगो जो लिखा था यहाँ पर, लोगो भाई नंबर एक का है। हाँ। जैसा कि आप जानते होंगे हमारे यहाँ का है। हाँ। कुछ भवनपुर में हम रहते हैं। वैसे भाई आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भैया आपके साथ में। हाँ। आपके साथ में घूम के बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। भवनपुर का लोगो क्या है? कुछ भवनपुर का लोगो बहुत अच्छा है। वैसे आपके हिसाब से सुल्तानपुर वासियों के लिए क्या बोलना चाहेंगे एक शब्द में? सुल्तानपुर वासियों के लिए यहाँ पे आइए, आप फोटो क्लिक कराइए, अच्छा लगेगा आपको 7 बजे के बाद। और मेरे सचिन भैया का सब्सक्राइब तो होगा ही। सुल्तानपुर वासी जितने लोग देख रहे हैं, हम आपको बता दें हमारे परम मित्र हैं सचिन भाई, सचिन नाम है इनका, इन्होंने नए नए चैनल स्टार्ट किया, जाके सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, सुल्तानपुर के सारे ब्लॉग आने वाले हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया, तो ये बात बोल दो सबको। हाँ भाई सब लोग सब्सक्राइब करिए। हाँ। आप वहाँ पे जाके सर्च मारिए सच24 के नाम से, आप सर्च मारेंगे सबसे ऊपर आ जाएगा मेरा वीडियो, में मैं लिंक दे दूंगा भाई के चैनल का, जाके सब्सक्राइब कर, आप जाके देखना है ना। सुल्तानपुर की बात चुकली, एक शब्द में क्या बोलना चाहोगे? गज्जब गज्जब। अब आई होप इनको अलविदा करने का मौका आ गया है, वो वक्त आ गया है, तो आई होप ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, काला कर देना है सब्सक्राइब को, काला कर देना भाई लोग, तो मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो के साथ एक नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद जय भारत।